अगर हम मैकेनिक का काम जानते हैं तो हमारा यहाँ क्या स्कोप है, तो उस हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ भी किसी भाई का एक इंटरव्यू लेने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला ये आप तक पहुँचाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने आज के नए व्लॉग में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल शेंजन कंट्री के हवाले से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, शेंजन कंट्री के जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आप लोगों के मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में मैसेज आ रहे थे, जो आप लोग मुझसे ये बात पूछ रहे थे कि मुर्सा भाई अगर हम कोई टेक्निकल काम जानते हैं, कोई स्किल जानते हैं, तो पुर्तगाल में हमें किस तरीके से काम मिल सकता है और कितनी इसकी डिमांड होगी। आज आपको देखते हुए कुछ भाइयों ने नीचे मेरी वीडियो में कमेंट भी किया था, वो मुझसे कह रहे थे कि मैं ऑटो वर्क पार्ट, हम मैकेनिक्स हैं तो किस तरीके से हमारा क्या स्कोप है, किस तरीके से हमें काम मिल सकता है और हमारी वेजेस जो है, जो सैलरी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, तो ये काम कैसा है। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास दो मेरे प्यारे भाई मौजूद हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर सिंह। बहादुर सिंह, आपका प्यारे भाई? जसबीर सिंह। जसबीर, ज़बरदस्त। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा आ गया जी, मुझे ये बताइएगा आपको कितना टाइम हो गया इंडिया से यहाँ पुर्तगाल की तरफ आए हुए? ये साल उन्होंने 2-3 महीने रह गए। सात? अच्छा, तकरीबन आपको 10 महीने हो गए, है ना? ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये 10 महीने आपके कैसे गुजरे। पहले आप लिस्बन आए, इंडिया से डायरेक्ट लिस्बन आए? लिस्बन तो मरीना ग्रांडे। लिस्बन से मरीना ग्रांडे आए। ये काम आप पहले इंडिया से ही जानते थे, ये यहाँ आके आपने सीखा? नहीं, इंडिया मैंने साल लगाया था। एक साल लगाया था। इंजन चेंज बहुत कम करते हैं यहाँ पे, क्या सिलसिला है? इंजन चेंज होते हैं गाड़ी के या रिंग पिस्टन डल जाते हैं उसमें? रिपेयर भी हो जाती है, अगर ज़्यादा काम खराब हो तो चेंज करना पड़ता है। तो आप इंडिया से पहले डायरेक्ट लिस्बन आए या आप किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे? नहीं, मैं इटली आया था। अच्छा, तो इटली तो बाद चेत आया मैं। तो ये गाड़ियों का जो मैकेनिक का काम है ये सीख कर आए हैं? स्किल मैं ट्रैक्टर का काम करता ही पहला पंजाब। अच्छा, तो इतने आके मैंने गड्डिया का काम मिल गया। चलो आता है थोड़ा बहुत, तो मिल गया काम इतने। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना पुर्तगाल में काम नहीं है, जो लोग स्किल वाले हैं उन लोगों को काम मिल जाता है। काम किन लोगों के लिए नहीं है? जिनको कोई काम नहीं आता उन लोगों के लिए काम नहीं है, जिन लोगों को काम आता है उनको कहीं भी काम मिल जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। काम तो मिल जाता है, बंदे को स्किल होना चाहिए, कोई कोई हुनर हो काम मिल जाता है। आपको कितने दिन में गाड़ियों का काम ये मिला मैकेनिक का? मैंने थोड़ा वेट करना पड़ा वैसे। अच्छा। पहले मेरा रिश्तेदार कॉन्ट्रैक्ट था तो उन्होंने इतने लवाया मैंने, तो मिल गया काम, इन्ना औखा नहीं जगह। ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, एक जनरली बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो काम की उजरत है एक आदमी की, वो मैक्सिमम कितना कोई मिल जाती है पर डे के हिसाब से? या मिसाल के तौर पे 760 यहाँ बेसिक है, तो आप लोग तो कारीगर हो, मतलब काम जानते हो, जब आप और अच्छा जान जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आपको क्या वेजेस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो? 1000 तो 1200 तक। 1200 यूरो तक उसको आराम से मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब मिलेगा उसको? बिल्कुल सही। ठीक है, अगर किसी पुर्तगीज के पास काम करता है तब क्या आप सोच रहे हो, तब 1800-2000 तक जाता है? पुर्तगीजी भी आनी चाहिए ना? पुर्तगीजी भी आनी चाहिए, फिर मिल जाता है, नहीं तो चलो 900-1000 ठीक है। 900-1000 तक ठीक है, ठीक है ना, अगर किसी एशियन के पास आप काम कर रहे हो, बट यही काम अगर आप प्रॉपर जानते हो, ठीक है ना, लैंग्वेज आती है तो आप पुर्तगीज। अच्छा, ऐसा है जिसको अगर लैंग्वेज नहीं आती, इंडिया से वो आया है चीता बन के, बिल्कुल आया है, 2 साल का काम किया हुआ है उसने, इंजन विंजन ये वो हर सारा काम जानता है, तो पुर्तगीज के पास काम लग जाएगा उसको फ़ौरन, या थोड़ी बहुत पुर्तगीज जाननी पड़ेगी उसको? नहीं, थोड़ी बहुत ही जाननी पड़ेगी, ऐसे नहीं रखते नहीं है। अच्छा, हाँ पुर्तगीज ही जाननी पड़ेगी। अच्छा मेरे प्यारे भाई ये बताएंगे, जो जितने नए लोग आ रहे हैं और छोटा मोटा काम जानते हैं हेल्पर का, अगर ये काम करते हैं किसी भी नई जगह पर डे इनको एक्सपेक्टेड कितना मिल जाता होगा? पर 30 यूरो तक मिल जाता है। 30 यूरो हेल्पर को आराम से मिल जाते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा मुझे ये चीज़ और बताइएगा, यहाँ डेंटिंग पेंटिंग का काम कैसा है? अगर कोई डेंटर आता है हमारे यहाँ से, इंडिया से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, काम आराम से मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, मिल जाता है काम। ये दो भाई खड़े हैं, इन्होंने यहाँ से गाड़ी का काम करवाया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या काम करवाया है इन्होंने और क्या उजरत दी है और किस हद तक ये मुतमईन है इस गाड़ी के काम से। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है जी। सबसे पहले नमस्ते। सबसे पहले ये बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, कौन से पार्ट से? इंडिया से, पंजाब से। पंजाब से आप मेरे प्यारे भाई? मैं भी सेम है, समझा। अच्छा कितना टाइम हो गया पुर्तगाल में? हमें तकरीबन यहाँ पे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए, अभी तो कार्ड नहीं आया होगा आपका, है ना? नहीं, नहीं। आपको? मेरे को 5 साल हो गए। क्या बात है सर, 5 साल निकाल दिए पुर्तगाल में, बड़ी बात है सर। कैसे गुजरे 5 साल? 5 साल पहले तो जब आए थे 2018 में, तो पहले तो काम के लिए मुश्किल था, लेकिन 20 के बाद में अच्छा लगा। अच्छा लॉकडाउन हुआ था उसमें तो बड़ी परेशानी हो गई होगी आपको, क्योंकि लॉकडाउन में तो काम ही नहीं था। लॉकडाउन में तो फ्री थे सर, घर में ही सिर्फ, और कुछ भी नहीं, खाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे थे उस समय पे। पुर्तगीजी आ गई? आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा भी नहीं आती है। अच्छा, अच्छा। क्या काम कर रहे हैं आजकल आप यहाँ? मैं फूड फैक्ट्री में हूँ।
फूड फैक्ट्री में काम कर रहा है। मुझे भाई प्लीज़ ये बताएं, ये बहुत बड़े नेकी का काम है, अपना नंबर भी चाहें तो दे दें, थोड़ा सा आगे आइएगा प्लीज़। मुझे ये बता दें, जितने लोग हमारे नए आ रहे हैं, अगर उनको फैक्ट्री में इस वक्त जॉब करनी है, क्योंकि सीज़न ऑफ हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, काम ख़त्म हो रहा है रेस्टोरेंट से, अब लोग फैक्ट्रियों की तरफ आएंगे, क्या तरीक़ा है किसी भी फैक्ट्री में जॉब अप्लाई करने के लिए? जॉब अप्लाई करने के लिए ये है, सबसे बड़ी बात है आपके पास गुरु और फनास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि किसी को काम मिल जाता है, किसी को ट्रांसपोर्ट की वजह से काम छोड़ना पड़ता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को घर नहीं मिलता है, ये चीज़ें अवेलेबल होंगी तो कोई मुश्किल नहीं होगी। जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, किस तरह मिल सकती है वहाँ जॉब नए आने वालों को? अभी तो फिलहाल की गाड़ी में जितना काम है ना उधर, उतने ही बंदे हैं। अगर उनमें से कोई लीव होगा, कोई छुट्टी पे जाएगा या काम छोड़ के जाएगा, उसकी जगह पे काम मिलेगा उसको, लेकिन कंप्लीटेड फैक्ट्री नहीं रखी। अच्छा ठीक है, तो मसला नहीं है, मैं आपका मोबाइल नंबर ले लूँगा, मेरे जितने लोग यहाँ पे परेशान हैं इंडिया से, तो प्लीज़ उनकी CV मैं आप तक पहुँचाऊँगा ताकि आप उनकी मदद कर सकें। ये एक सदका जारी है, जैसे जैसे उनको रिस्क मिलता रहेगा उस तरीके से आपकी आप भी ऊपर जाते रहोगे, ठीक है भाई। मुझे ये ज़रा सा बताएं, 5 साल पुर्तगाल में निकालने के बाद, अब आप माशाल्लाह गाड़ी वाड़ी आपके पास सब कुछ है, आपको ये बात का भी अंदाज़ा है कि यहाँ पुर्तगाल में, पूरे शेंजन में, पूरे यूरोप में सबसे महंगी गाड़ियाँ पुर्तगाल में ही हैं, हमारी बैड लगी है, ठीक है। जब मैं अभी लंदन में था तो सोचता था कि यार चलो पुर्तगाल पाकिस्तान जाऊँगा, पाकिस्तान से जब पुर्तगाल आऊँगा तो BMW चलाऊँगा यहाँ, लेकिन पता ये लगा कि भाई यहाँ तो बहुत महंगी है BMW, ठीक है ना, और जर्मनी में आधे से आधे पैसों की और यहाँ पर बहुत महंगी है। तो उस हवाले से कुछ बताएं, यहाँ क्यों है गाड़ी महंगी? महंगी सर यही है कि यहाँ पे महंगाई भी बहुत है, पैसे कम बनते हैं, महंगाई ज़्यादा है इधर, ठीक है, तो इसी की वजह से यही सिलसिला है इधर। सही है। आपकी वेजेस कितनी है? 760 मिनिमम? नहीं, मैं तो एक्स्ट्रा टाइम लगाता हूँ ना, मेरा तो कम से कम 1000 से ऊपर ही जाता है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आप मैरिड हैं अभी या नहीं? अनमैरिड। गाड़ी की सर्विस करवानी थी, वो करवाई है, तो वाइपर चेंज करवाने थे। हम इस बाइक के पास इसलिए आते हैं क्योंकि पंजाबी भाई है, अच्छा। लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं पड़ती है, और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, मुझे ये जानना चाह रहा था मैं कि मिसाल के तौर पे आपने अभी जो गाड़ी का काम करवाया है, ट्यूनिंग सर्विस करवाई है, कितने पैसे दिए ट्यूनिंग सर्विस के, क्या पैसे हैं? 70 यूरो में ट्यूनिंग भी हो गई, सर्विस भी हो गई, ऑयल वॉयल चेंज हो गया, सारे काम हो गए, ठीक है। अच्छा, ऑयल सिर्फ अगर ऑयल डलवाना हो तो सुना है 60-65 यूरो का ऑयल डलता है, लेकिन और भी काम हम करवा लेते हैं ना उसी में से। अच्छा, उसी में करा लेते हैं, बेनिफिट यही होता है, ठीक है। अभी 70 यूरो आपने दिए हैं इनको, अगर यही काम आप बाहर किसी पुर्तगीज के कंपनी में जाके कराएंगे तो वो कितना चार्ज करेगा आपको? चार्ज चलो वो मैं बता देता हूँ आपको, कोई 5 रुपये ऊपर ले लेगा वो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसको सर्विस का बोला है, उसने सर्विस करके तेल चेंज करके आपको ओके कर देना है। हम इसके भाई के पास आते हैं तो तेल चेंज करवाने की वजह से हम ये भी पूछ लेते हैं, अभी इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, वो हमको बताता है, सोल्यूशन बताता है, भी रनिंग टाइम पे आओ, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये बात है। हमारा फ़ायदा इसलिए है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, और काम भी बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो जो नए लोग हैं यहाँ पर या जिन लोगों ने गाड़ियाँ खरीद ली हैं, उनको क्या मशवरा दोगे कि अपने देसी मैकेनिक के पास जाओ या पुर्तगीसी मैकेनिक के पास जाना चाहिए? जी जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे इंडियन से कोई बहुत अच्छा इन्होंने वर्कशॉप खोला है, काम भी अच्छा करते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो 1 घंटे के पर से रेट लेते हैं, चाहे 10 मिनट लगाए गाड़ी पे, चाहे 15 मिनट, वो 1 घंटे से चार्ज करेंगे आप 25-30 यूरो ऐसे लेते हैं। तो इनका ये सिस्टम नहीं है, थोड़े पैसे सर्विस का थोड़े 10-15 यूरो मतलब कि उस हिसाब से ले लेते हैं, अच्छा है। अच्छा, आपने देसी लोगों से काम करा लो वो ज़्यादा बेहतर है, मगर देसी लोग हमारे चूना भी तो लगाते हैं समटाइम, जैसे हमारे कंट्री में है, हमने सुना है इस बारे में, क्योंकि हमारे लोग बड़े शातिर हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में ना, हमारे मैकेनिक पाकिस्तान में, मेरा गाड़ियों का काम रहा बड़ा अरसा, मैंने गाड़ियों का काम किया, तो बड़ी बड़ी जुगाड़े चल जाती हैं यहाँ पर, है जुगाड़ों का काम, इंजन चेंज हो जाता है, क्या होता है मेंटेनेंस का? नहीं नहीं, जहाँ पे वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे 2 नंबर का काम कम ही चलता है ना, थोड़ा रूल है सिस्टम, हर साल गाड़ी की इंस्पेक्शन करानी पड़ती है, चेकिंग करानी पड़ती है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। मुझे एक चीज़ और बताएं, यहाँ गाड़ी रखना कितना महंगा है? मिसाल के तौर पे आपने एक गाड़ी ले ली 2000 यूरो की, हर साल उसका रोड टैक्स देंगे ऐसे ही है, और उसकी फिटनेस भी जाएगी, ये कितना लगभग बन जाता है, रोड टैक्स फिटनेस कितनी आती है, इंश्योरेंस कितने की बढ़ जाती है साल की? वो तो गाड़ी पे डिपेंड करता है ना, अभी 2003 का मॉडल है, 2003 मॉडल में तो कम से कम 40 यूरो जाएगा फाइनेंस का, ठीक है। उसमें आपका गाड़ी का सिगूर होगा, इंस्पेक्शन होगी, और जो आपकी गाड़ी चलेगी तेल खर्चे पे, वो कम से कम भी अगर 1 साल का जोड़ें तो 400 यूरो चाहिए। एक साल का 400 यूरो खर्चा है गाड़ी के?
तेल निकाल के, अगर सर्विस भी कराओगे आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो टायर भी जाएंगे, वो तो मुश्किल है ना, जितना गाड़ी चलता है उस पर डिपेंड है। ठीक है, अच्छा ये ऑटो पंजाब वाले जो हैं ये मरीना ग्रांदी में, इनसे आप लोग मुतमईन हो, 100% काम इन्होंने अच्छा किया आपका? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो फ़ोन पे ही बात होती है ना, तो फ़ोन पे ही बात करके आ जाते हैं, सुबह कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नए आने वालों को कोई, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस लोग हो, नए आने वालों को कोई पैगाम देंगे? बिल्कुल भाई, क्राइम से दूर रहो, किसी भी बात पे कोई भी अगर मसला बन जाएगा पेपर भूल जाइए फिर, ठीक है, क्राइम से दूर हो, बाकी सब कुछ अच्छा है, पुर्तगाल सब कुछ दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सेटिंग करके आए अपनी, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है नए नए को काम की बहुत ज़्यादा, तो एक पेपर लाओ कराने में कई ज़्यादा पैसे, ऐसे वैसे प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी सेटिंग तो चाहिए किसी के रिश्तेदार कोई ऐसे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा मेरे प्यारे भाई, मुझे ये बात बताएं कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पुर्तगाल में लोग भूखे मर रहे हैं, काम नहीं है, अफलास है, मुफलिसी है, परेशानी है, यहाँ सब लोग पेपर के लिए आते हैं, तो क्या ऐसी बात सच है कि जो लोग, जिस तरह ये मेरा भाई कह रहा है मुझे आते ही यहाँ नौकरी मिल गई, मैं स्किल्ड वर्कर था, मैं मैकेनिक का काम जानता था, काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, तो ये बात सच है कि जिनके पास स्किल है उनके लिए काम की कोई परेशानी नहीं है? नहीं, काम की तो नहीं परेशानी है, प्लस मैंने आपको पहले भी बताया उसको ट्रांसपोर्ट की वजह से काम नहीं मिलता है, किसी को दूर जाना पड़ता है, किसी को घर नहीं मिलता है, कोई कहता है मैं खेती का काम कर लूँगा, प्लस उसमें होता है कि मालिक का घर मिल जाता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और काम की वजह से इतना नहीं, बड़ा मुश्किल आ गया, काम मिल जाता है लेकिन किसी भी कंट्री में चले जाओ तो टाइम तो लगता है कि नहीं, जाते हुए तो कोई अगर आपको गाइड करने वाला आगे है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको 10 दिन बिठा के घर में कोई बात नहीं, काम पे लगा, अगर आप अकेले आते हो तो आपको ये तो जेल नहीं पड़ेगा ना जितना काम, तो आप मुतमईन हैं पुर्तगाल से? हाँ बिल्कुल, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।